अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड एंड सेफ इन योर होम। ओके, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेक्चर 8 एंड कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट गुड मार्क्स इन योर प्रीवियस टेस्ट, होप यू विल डू मोर हार्ड वर्क। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर थर्ड यूनिट। ओपन योर बुक्स व्हिच इज ऑन पेज नंबर 13। ओके, यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन, पेज नंबर 13, द एप्पल। You can see here the picture of apple and but first of all I will tell you few benefit about this fruit, the apple. It is the healthiest fruit, means ye bahut healthy fruit hai. An apple a day keeps the doctor away. It means that agar aap daily one apple lenge to aapko doctor ke paas nahi jana padega kyunki apple ki bahut zyada benefits hote hain. द थर्ड पॉइंट इज इट्स गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, इससे आपकी स्किन अच्छी होती है, इसके यानी कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नाउ कम टू टॉपिक, हेयर द पैराग्राफ्स आर गिवन, आई ड्रू अ लिटिल एप्पल। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, आई ड्रू अ लिटिल एप्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट दिस वर्ड आई ड्रू। ड्रू जो है, ये जो है हमारे पास ड्रू, ये ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है। आई ड्रू अ लिटल एप्पल मतलब उसने एक एप्पल ड्रॉ किया था, बट लेकिन कहते हैं ऐसा क्या हो गया, बट इट लुक्ड सो लाइक अ हैट। अच्छा, बिकॉज एज यू नो डैट ही वॉज अ किड, वो तो भी सही प्रॉपर तरह से ड्राइंग नहीं कर सकता था। सो आई ड्रू अ लिटल एप्पल एंड इट लुक्ड सो लाइक अ हैट, बट आई पुट अ बॉडी ऑन इट, बट I put a body on it and it was a man instead. And it was a man instead. Here you can see a picture of a man. Wow, it's looking so good. I gave him arms and legs and hair and eyes and mouth and nose, and I gave each arm 5 fingers. एंड आई गेव ईच लेग्स 5 toes। ओके, अब कहते हैं कि उसने एक एप्पल तो बनाया, बट उसे तो एप्पल सही तरह से बन नहीं रहा था, तो उसने उसके हैंड भी बना लिए। देखें, उसने उसके हैंड बना लिए, फिंगर्स बना ली, हेयर बना लिए, तो यानी कि एक प्रॉपर उसने एक बॉय सा, एक मैन सा बना ली। तो वो ये कह रहे थे मैं तो एप्पल बना रहा था, तो ये क्या बन गया। इन सेकेंड पैरा, आई पुट अ रो ऑफ बटन्स डाउन द मिडल ऑफ हिज कोट एंड जस्ट देयर राइट बिसाइड हिम आई ड्रू अ लिटल बोट। Oh, the little boat was sailing fast. इनकी वो बहुत ज़्यादा fast sail कर रही थी. The waves were big and blue. The seagulls flew around it as seagulls often do. Seagulls जो होती हैं वो birds होती हैं जो कि समंदर के आसपास पाई जाती हैं, like this. Okay. In third para, I looked at it. I liked it. And to myself I said, I think I will draw an apple. Now that isn't like a head. अब कहते हैं तो हेड की तरह नहीं लग रहा था, अब ये क्या लग रहा था। सो आई ड्रू अ लिटल एप्पल बट इट लुक्ड जस्ट लाइक द सन। वाओ, अब ये देखिए, पहले उसने बना लिया एक मैन, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, बट इट लुक्ड जस्ट लाइक द सन। आई पुट सम सन बीम्स, सन बीम्स मीन रेज ऑफ सनलाइट around it. I counted 21. Here you can see in this picture, पहले उसने एक सन बनाया, फिर साथ ही सन बीम्स बना ली। उसने जब वो काउंट की वो तो 21 हो गई थी, वो परेशान, ये क्या होगी, मैं बना क्या रहा हूँ और ये बन क्या रहा है। अब अगेन उसने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसने कहा एक बार फिर ट्राई करते हैं। अच्छा, अब नंबर 4 पैरा में क्या कहते हैं, द सन मस्ट शाइन ऑन समथिंग। ओके, द सन मस्ट शाइन ऑन समथिंग, सो आई ड्रू अ लिटल शेड एंड आई गेव द शेड अ चिमनी। अब शेड मीन्स वो होता है ना, लाइक शेल्टर। अब सो इट वॉज हाउस इंस्टेड। ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
ही ड्र्यू अ हाउस. ओके, क्योंकि उसने सन तो बना लिया था, उसने कहा कि सन के साथ कोई ऐसी चीज भी हो ना जहाँ पे सूरज अब इस तरह के सूरज हो, तो उसने क्या बना लिया, इधर एक छोटा सा शेड बनाया और द सन मस्ट शाइन ऑन समथिंग सो आई ड्रू अ लिटल शेड एंड आई गेव द शेड अ चिमनी. ये देखें इधर इस तरह, सो इट वॉज हाउस इंस्टेड. ओके, I drew a door and windows and a handle on the door. So he drew a door and a windows and a handle. I don't think I have ever drawn a nice a house before. And then just right beside it, I drew a little chair and a bushy cat for people living there. I looked at it, I liked it, and then I said, for fun, I think I will draw an apple. Okay, अब वो इसमें फन कर रहा था, वो मजा भी कर रहा था कि तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रहा हूँ. So I drew another apple, but it's near the end of day. I am tired. Tired means exhausted. वो बहुत थक गया था of drawing apples. So I put my pen अबे. अच्छा, अब जब वो एप्पल बना बना के थक गए तो उसने अपना पेन साइड पे रख दिया. यानी कि अब लेट सपोज आप लोग भी जब एक ड्राइंग बनाते हैं, टीचर क्लास में कहती है कि एक एप्पल बनाओ, तो स्टार्ट में तो आप सब सही एप्पल नहीं बन सकता, आप सब प्रैक्टिस करते हैं. इसी तरह इन दिस यूनिट द बॉय हैज़ प्रैक्टिस्ड मैनी टाइम, बट कभी उससे हाउस बन जाता, कभी उससे बॉय बन जाता, कभी उससे सन बनता, कभी उससे क्या बनता. एट द लास्ट ही वॉज टायर्ड, उसने पेन रखा, उसने कहा अब देखेंगे. होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. अल्लाह हाफिज़.